press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मार्बल पॉलिश में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे किचन काउंटर ग्रेनाइट से बना हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ग्रेनाइट से बनी हुई, जो आप ये देख रहे हो ये ग्रेनाइट से बनी हुई चिमनी है, क्योंकि आज भी हमारे राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर इस प्रकार की चिमनी बनती है। किचन के अंदर आज भी चूल्हा जलता है, तो चूल्हे के जो धुआं होता है उससे धुआं निकालने के लिए ये चिमनी हम आज भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हम ग्रेनाइट से इसकी चिमनी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये विंडो फ्रेम है ग्रेनाइट से बनाया हुआ, आप देख सकते हो। और ये ग्लेस टाइल जो है ये 6.5 फुट की हाइट के अंदर हमने ग्लेस टाइल लगाई हुई है, ताकि दीवारों पे चिकनास धुएं के निशान ना जमे, आप देख सकते हैं। चेक के अंदर ये ग्लेस टाइल लगाई हुई है। और इसके जो अलमारी बनी हुई है किचन की, वो भी हमने ग्रेनाइट से इसका फ्रेम घुमाया है, और इसकी धार के ऊपर हमने दांता मोल्डिंग, जिसे काना मोल्डिंग भी बोलते हैं, वो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और ये टाइल्स चेक्स के अंदर है, दो कलर के अंदर कॉम्बिनेशन इसका दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये जो प्लेटफार्म का जो काउंटर है, इस काउंटर के ऊपर हमने एस मोल्डिंग बनाई है, और सिंगल प्लेटफार्म है ये, आप देख सकते हैं ये सिंगल प्लेटफार्म है। ज़्यादातर एल के अंदर हम प्लेटफार्म बनाते हैं, और ये सिंगल प्लेटफार्म बनाया हुआ है छोटी जगह के हिसाब से, आप देख सकते हैं। और आप ये वीडियो देखकर एक दोस्तों आइडिया ले सकते हैं कि प्लेटफार्म किस तरह से सेटिंग करें, और साइड पे आप मकान मालिक को भी दिखा के इस वीडियो को आप अपने समझा सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो प्लेटफार्म की धार के ऊपर हमने अंदर के साइड में हाफ मोल्डिंग बनाई हुई है, ये हाफ मोल्डिंग 1.5 इंची की पट्टी के अंदर हमने बनाई है, ये देख सकते हो आप दोस्तों। और दोस्तों, इसका अब पॉलिश का काम स्टार्ट होगा। तो मैंने पॉलिश से पहले इसका एक वीडियो बनाया आपके लिए दोस्तों, तो हम इसका पॉलिश होने के बाद में एक वीडियो और बनाएंगे कि इस पर पॉलिश किस प्रकार की जाती है, इसके ऊपर ग्राइंडर से करते हैं या मशीन से करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको अच्छी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे इसी प्रकार बने रहें, और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को भी दबा लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुँच सके, और आप हमारे हर वीडियो पूरी देख सकें और अच्छी जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं और अच्छी जानकारी के साथ और अच्छे वीडियो के साथ।